ओम शांति। 15/6/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मुरली के महावाक्यों में मीठे ते मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वान प्रस्थावस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो, पावन बनो, सब खाते खलास करो। प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे, अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे, बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे, जितना तुम बाप को याद करेंगे बंधन टूटते जाएंगे, तुम विक्रमाजीत बनते जाएंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंचते ऊंच मूल बतन में रहते हैं, शंकर तो है सूक्ष्म बतन वासी, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं। ऊंचते ऊंच रहने वाला है एक बाप, फिर दूसरे तबके में हैं तीन देवताएं, वह है बाप, ऊंचते ऊंच निराकार, शंकर तो आकारी है, शिव है भोलानाथ, ज्ञान का सागर, ज्ञानदाता। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते, तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं, आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं, रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते हैं, जब वह रजोगुणी ही नहीं जानते थे तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे। तो अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुना रहे हैं, यह तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा बाबा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको यह नहीं सुना रहे हैं, भोलानाथ है शिव बाबा, कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूँ निराकार, जन्म मरण से न्यारा, एवर प्योर, पूजा भी मुझ निराकार को ही करते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, अब बाप तो जन्म मरण रहित है, वह है भोलानाथ, जरूर आकर सभी की झोली भरेगा, कैसे भरेगा, यह तुम बच्चे ही समझते हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं, यही नॉलेज है, ज्ञान रत्न ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं, भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने, जो पढ़े लिखे ही नहीं है, है ना, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, वो संस्कृत श्लोक आदि क्या जानेंगी, क्या समझेंगी भोली माताएं। तो पापा कहते हैं, ये सब तो मैंने कहा ही नहीं, लिखा ही नहीं है मेरे शास्त्रों में, कोई कलम दबात की आवश्यकता पड़ी ही नहीं है, है ना, मैं तो आदि मध्य अंत का ड्रामा आकर के समझाता हूँ, तुम्हारी दुर्गति का कारण तुमको बता करके तुमको ही फिर सदगति में ले जाने का रास्ता आकर के दिखाता हूँ, तुम्हारे ही कर्मों का गुहार आज तुमको आकर बताता और तुमसे ही तुम्हारे कर्म को सुधरवाता, श्रेष्ठ बनाता, और जो भी तुम्हारे पाप विकर्म हैं उनको विनाश करने का रास्ता में ही आकर तुमको समझाता, उस रास्ते पर चले तो तुमको मतवा प्राप्त होगा, प्रालब्धि प्राप्ति होगी, नहीं चले तो फिर वही दुख की दुनिया में आ जाएंगे। तो इस तरह से वह ज्ञान रत्नों की झोली हमारी भरते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से शिव जयंती भी मनाते हैं, है ना, बाप तो जन्म मरण से रहे थे, वह है भोलानाथ, तो जरूर आकर सभी की झोली भरेगा। बाबा कहते हैं माताएं बहुत भोली होती हैं, है ना, तो वह सब संस्कृत आदि के से श्लोक जानेंगी। बाबा कहते हैं उन्हों के लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं, यह माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती हैं,
यह तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती हैं, है ना। अभी अभी फैशन पड़ा है तो बाबा बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे उन्होंने, उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का है। एक माता का, एक बहन का क्वेश्चन काफी दिन से बार बार आ रहा है, और देखिए आज बाबा मुरली में बार बार वो बहन के पास तक पहुंचे हैं और बाबा उस बहन के प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। देखिए बहन, यदि आप सुन रही हैं तो आज बाबा आपके लिए ही लिख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि माताओं पर जो बंधन है, और जो भी है बांधेली माताएं हैं जिनके घर में अलाउड नहीं करते हैं, नहीं जाने देते बाबा के, तो देखिए एक तो यह गुप्त है बाबा का ज्ञान, है ना। तो बाबा का ज्ञान गुप्त होने की वजह से आप कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी हालत में परमात्मा को याद कर सकती हैं। आप भल सेंटर जाकर के उतना मन आप हो सकता है घर पर छोड़ कर जाएं कि ना जाने मैं, मुझे कौन क्या कहेगा, ना जाने मैं आ तो गई हूँ, अब घर जाके डांटना पड़े। लेकिन आप घर पर रहेंगी, बंधन में भल रहेंगी, लेकिन मन बुद्धि के बंधन में तो कोई बांध ही नहीं सकता। आपके मन का घोड़ा आप जहाँ चाहें वहाँ दौड़ा सकते हैं। तो आप घर में रह करके जितना जास्ती परमात्मा को, बाबा को याद कर सकते हैं, जितने प्यार से, जितनी शिद्दत से, उतना आप उस स्थान पर जाकर के नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए, बाबा ने आज कहा है ये सब जो भी उलझन है, परेशानियां हैं, जो बंधन हैं, वो तो आएंगे, लेकिन आगे समय, आगे चल करके ये सारे बंधन अपने आप ही छूट जाएंगे। समय अभी वह नहीं है, अभी आने वाले समय में सब हो जाएगा। बाबा ने यहाँ तक कि देखिए मंत्र उच्चारण का भी कहा है कि भोली माताओं को संस्कृत क्या जाने, तो उनके लिए ही बाबा गरीब निवास है, बाबा गरीब माताओं के लिए ही, भोली माताओं के लिए ही आया है ना। तो बाबा कहते हैं घर में काम करती रहती हैं वो बिचारी, क्या जाने ये फैशन तो अभी अभी आया है नौकरी का। तो बाबा हम बच्चों के लिए ही देखिए कितना मोहब्बत करते हैं बच्चों से, कि कितना सब कुछ बाबा हर एक के मन तक पहुंचते हैं। जो मन से याद करता है वो पिता उसका स्वयं आकर के मुरलियों में आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं। तो ज़रूर मुरली ध्यान से सुना कीजिए, मिस मत कीजिए, ये रिक्वेस्ट समझें या बाबा की फीस समझें या जो भी समझें, कोई भी निमित्त बन, जो भी मुरली सुनाता है, जिसके द्वारा भी आप तक मुरली पहुंचती है, ज़रूर परमात्मा के इन महावाक्यों को सुनिए, उसी में आपके रोज़मर्रा के आंसर भी मिलते हैं। अच्छा, उम्मीद है आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं जो नौकरी आती है वह तो अभी है, बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कौन, स्वयं परमपिता परमात्मा, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूं तो भक्तियां सीताएं सब हैं, सब एक को याद करती हैं। राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाप के साथ घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे, याद भी घर को करते हैं हम दुख से मुक्ति पावे। बच्चे जानते हैं बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती, सबको तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वह जल जाता है, वह धर्म ही प्रायः लोप हो जाता है, बाकी कुछ प्रायः चित्र आदि चला जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा, बरोबर जानते हैं। देवी देवताएं राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी अभी तक हैं, बच्चों को इस पर समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने, वह है ही सतयुग के मालिक। और जो भी हम चित्र आदि देखते हैं, मूर्तियों में के जो नक्काशी देखते हैं या उनके जो भी साज श्रृंगार देखते हैं, ये चित्रों में आप जितना मन मोहने वाली कलाएं और उसमें रंग भरे हुए देखते हैं, तो देखिए वह सब काल्पनिक है, क्योंकि यहाँ हम दिव्य दृष्टि से उस सतयुग के महाराजा महारानी का, आप खुद का, कैसे हम इस शरीर रूपी मंदिर में, है ना, पुण्यात्मा बैठेगी और कैसे वहाँ पाठ चलेगा, तो यह तो हम जानते हैं। वहाँ कोई चार भुजा और कोई कहना चाहिए इस तरह से अस्त्र शस्त्र लेकर के कोई भी वहाँ पे राज्य करता नहीं है। ऐसे ही दो
आंखों दो कान एक मुख, हूबहू यही होता है। सिर्फ वहाँ विकार नहीं होते हैं और कर्म श्रेष्ठ होता है, धर्म श्रेष्ठ होता है, कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट वहाँ होता नहीं है। यथा राजा यथा रानी यथा प्रजा होता है ना, तो ये फर्क है। बाकी ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई चार भुजा वाले या अष्ट शक्तियाँ अष्ट भुजा वाली कोई देवी देवताएं रहते हैं। अच्छा, यह सब बुद्धि से समझने का है। तो जो चित्र आदि है वो एक कल्पना है कि इस तरह से जो निर्विकारी देवी देवता अतिथि देवो भव जो इधर होकर के गए हैं, तो वो निर्विकारी होने से उनमें भासना जागती है कि ऐसा मन मोहना, ऐसे खींचना, इतना उनमें करंट अपने तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, क्योंकि वो विकारों से मुक्त है ना, तो प्यूरिटी उनकी तरफ खींचती है। और वही हमारे में कि हम ऐसा चित्र में चित्रण करें कि कोई भी इसे बिना देखे रह ही ना सके। कोई बेबड़ा भी होता है, कोई नशे में भी अगर रास्ते से गुजरता है और देवी का मंदिर या कोई भी मंदिर मिलता है, तो बकायदा वो चप्पल सर पर रख लेगा उठा करके, लेकिन वहां जरूर हे माँ, हे अम्बे, हे दुर्गे, हे काली कुछ तो भी कहेगा, है ना, लेकिन विकारी दृष्टि से नहीं देखेगा। और भल वो बेवड़े को रास्ते में कोई ऐसा मिल जाए, कोई भी लौकिक जीवन में कोई भी माता बहन मिल जाए कोई इस तरह से, तो भले ही उसके प्रति उसकी भावना जो है विकारी दृष्टि डाल सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं के पास तो वो सोच भी नहीं सकते। रीजन क्या है? क्योंकि उनमें वो प्यूरिटी के वाइब्रेशंस जो थे निर्विकारी, तो वो गुण अपनी तरफ खींचते हैं, है ना, ये फर्क है। और अभी तो तमो प्रधान दुनिया में सभी के जो पॉजिटिव से नेगेटिव जो थिंकिंग गई है, और जो विकारी थिंकिंग, विकारी थॉट, बैड एनर्जी से जो खुद फुलफिल होते हैं, और आसपास का जो एनवायरनमेंट तो तमो प्रधानता से, नेगेटिविटी से, बैड एनर्जी से फुलफिल है ही, तो उसका भी आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ेगा ही, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी वो आपको अपने तरफ करेगा, है ना। रावण राज्य है ना, ये तो है ही। तो बाबा तो खुद इस राज्य में आए हैं, तो बाबा को तो खुद ही वो कोशिश करेगा कि ये ना जीते, है ना। तो ये सब समझने की बातें हैं और परमात्मा हमें आकर के समझाते हैं, तो बुद्धि से समझना है। और यही सब बातें महावाक्यों को आप मनन चिंतन करेंगे तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति स्थित हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, ये तो सभी भक्तियां हैं ना, तो मैं तो आया ही हूं दुख से मुक्ति दिलाने के लिए। अब बाबा कहते हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने, फिर तो बाप के साथ घर जाएंगे ही, और कहाँ जाएंगे, याद भी घर को करते हैं। आत्मा बार बार शांति अब चाह रही है, माना उसको अपने घर की याद आ रही है ना, क्योंकि वो उसका घर है। तो अब हम दुख से मुक्ति पावे, बच्चे जानते हैं बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती, बाबा कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ सभी बनना ही है तमो प्रधान। तो मुख्य जो फाउंडेशन है, बाबा कहते हैं, जो आदि सनातन धर्म का, देवी देवता धर्म का, वो लोप हो जाता है ना। तो अब जो चित्र आदि हैं, बाबा कहते हैं, वो यादगार कैसे मिलेगा? बरोबर जानते हैं देवी देवताएं राज्य करते थे, उन्होंने के चित्र भी अभी तक हैं। बाबा कहते हैं इस पर बच्चों को समझाना चाहिए, तुम जानते हो, है ना, कि लक्ष्मी नारायण ही बचपन में प्रिंस प्रिंसेस थे, फिर राधे कृष्ण थे, है ना, प्रिंस प्रिंसेस जो थे वो राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने तो लक्ष्मी नारायण, तो स्वयंवर के बाद, है ना, उनका जो रजो अवस्था थी उसमें वो महाराजा महारानी बने, तो वह है ही सतयुग के मालिक। उनकी जब रजो अवस्था थी तो वो, और राधे तो दूसरे गांव की थी और जो कृष्ण है वो दूसरे गांव के, तो बाबा कहते आगे फिर वह है ही सतयुग के मालिक। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं रख सकते, इसीलिए कहते हैं देवी देवताओं के पैर धरनी पर नहीं पड़ते, क्योंकि ये धरनी तो अब तमो प्रधान है, अब इस धरनी पर कैसे पैर रखेंगे? तो वो धरनी स्थापन हो रही है अब, जहाँ देवी देवताओं के पैर पड़ते हैं, कहते हैं पैर जमी पर नहीं पड़ते, है ना। अभी भी परमपिता परमात्मा ने हमें जो उड़ती कला सिखाई है उसमें हम उड़ते ही तो रहते हैं, धरनी पर पैर रहते कहाँ है? चैतन्य रूपी आत्मा जब हम खुद को निश्चय करते हैं तो हम ऊपर उड़ते रहते हैं, आसमानों से, आसमान से पार, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि
वह तो पतित थे नहीं, इसलिए धरनी पर पैर रख सकते नहीं। श्री कृष्ण तो है ही बैकुंठ का प्रिंस, वह तो गीता सुना ना सके और भूल भी कितनी भारी करती है। कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता, वह तो मनुष्य है, देवी देवता धर्म का मनुष्य है, उसे भगवान नहीं कह सकते। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं, यहाँ मनुष्य रहते हैं, मनुष्य को सूक्ष्म वतन वासी नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः कह देते हैं ना, तो वह है देवी देवता धर्म। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता, मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, मनुष्य कोई दूसरी योनि में जन्म नहीं लेते, कोई कच्छ मच्छ में जन्म नहीं लेते, बिल्ली कुत्ते के जन्म में नहीं, मनुष्य मनुष्य की योनि में ही आता है ना, तो 84 में। अभी तुम बच्चे जानते हो, असल में हम देवता धर्म के थे, वह धर्म बहुत सुख देने वाला था, सुख देने वाला है यह कोई कह ना सके, वहां हम क्यों नहीं। यह तो जानते हो ना कि वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबर बार आते हैं। यह तुम बच्चे समझा सकते हो कि पिछाड़ी में जैसे जैसे जिस जिस आत्मा का पाठ, न किसी का सतो में, किसी का रजो में, किसी का जो है तमो में, तो इस तरह से जिसका सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जिसका जहाँ पाठ होगा, वैसे पिछाड़ी में आते जाएंगे और धर्म फिर जास्ती बढ़ते रहते हैं, और फिर द्वापर में तो बहुत बढ़ जाते हैं, है ना। तो धर्म तो बाबा का दो ही है, एक त्रेता और एक सतयुग। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम समझा सकते हो, यह अनादि बना बनाया खेल है, उसमें फिर सतयुग होगा, भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं हो सकता है। देखिए, प्रकृति को मिथ्या कह दिया है, लेकिन प्रकृति मिथ्या नहीं है, प्रकृति सिर्फ अपना जो स्वरूप बदलती है तमो प्रधान से सत्व प्रधान होने के लिए, अपना विकराल रूप लेकर के सफाई जरूर करती है, लेकिन मिथ्या नहीं है, अखंड है। तो यह भी समझाना पड़ता है, बाप का जन्म भी यहाँ होता है, उनका है दिव्य जन्म, जो मनुष्यों दृश्य सदृश्य नहीं है, बाप आए हैं निकालने। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। यह तो असुरी राजस्थान है, बाप ले जाते हैं देवी राजस्थान में, और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। यह है अजपा जप, मुख से कुछ भी कहना नहीं है, और बाबा ने यह भी कह दिया कल के मुरली में कि ओम शांति कहने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि कई कई बच्चे तो उसका यदि समझे ही ना मतलब, तो फिर क्या फ़ायदा ना ओम शांति कहने का। तो आप सुने समझें और खुद से स्वरूप बन करके उसमें टिके, है ना, यह धारणा करनी है, ओम शांति कहने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं मुख से कुछ भी नहीं कहना है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है, साइलेंस में बाप को याद करना है, घर बैठे, बांधेलियां भी घर बैठे सुनती हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, हाँ घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो, बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो, अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़े ही होता है? तो अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है, तो घर को याद करना है, फिर आना बीज भारत में है, मुख तो घर की तरफ ही होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, बड़ा सहज है, घर में बैठ भल भोजन बनाओ शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना कि पसंद आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बाबा कहते हैं यह तो पतियों का पति है, उनको याद करो जिससे किस जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, वहाँ भी रह बाप और वर्षे को याद करो।
अपना तो तुम छुटकारा कर लो, बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो, धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ते हैं, आखिरी जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा बाबा कहते, तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे, विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, इसमें धैर्य रखना है, धीरज धर्मनवा, उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो, वर्षा लो। कृष्ण तो हो नहीं सकता, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है, जो सब जान जाएं कि हमारा बाबा शिव बाबा है। वह भी अभी याद रह नहीं सकती, थोड़े समय के लिए यह बंधन मारपीट आदि है, आगे चले सब बंद हो जाएंगे। समझा माताओं को बाबा क्या कह रहे हैं? तो कोई कोई बीमारी होती है जो झट छूट जाती है, कोई वर्ष तो तक भी चलती है, इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे, और जितने कष्ट होंगे उतना जास्ती परमात्मा याद आएंगे। जो दुखी है वही तो ईश्वर को पुकारता है, दुख ना हो तो फिर परमात्मा को कोई पुकारे ही क्यों, बिगड़े ना तो बनाने के लिए उस बनाने वाले को क्यों याद करे, है ना। तो हर एक बात के पीछे रीजन है, यदि मुश्किलें नहीं है तो आप सहने की शक्ति कैसे आएगी, आपको कैसे समझ में आएगा कि हमें कैसे इस संसार के थपेड़ों से आगे जाना है। तो धीरज हर बात में चाहिए। बाप कहते हैं मैं जितना तुम मुझे याद करेंगे ना उतना विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएगी, यह विकर्मों के बंधन भी बंधन है, विकार को ही नंबर वन विकर्म कहा जाता है। अभी तुम विक्रमाजीत बनते हो, विक्रमाजीत याद से ही बन जाता है, सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है, याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा, यह भी व्यापार है ना। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है कि मंदिर जाओ और हजारों लाखों की भीड़ में आप खड़े हो, एक तो पैसा भी दो और वहाँ पे अपना शरीर भी शारीरिक श्रम भी हो, धक्के भी खाओ और दर्शन सेकंड्स में आपको धक्के दे करके भगा दिया जाए, तो शरीर निर्वाह मात्र वहाँ पर ये चल रहा है। आप बुद्धि से इस बात को समझ सकते हैं, परमात्मा कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में या कोई पत्थरों में इस तरह से मूर्तियों में नहीं है। परमात्मा संगम युग पर आकर के जब आपको आत्मा और स्वयं का जब नॉलेज देते हैं और जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और परमात्मा मन के द्वार पर आया है, दरवाजे पर खटखटा रहा है, कौन से दरवाजे पर खटखटा रहे हैं ईश्वर, आपके मन के द्वार पर, कि मन से मुझे याद करो, मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा हमें मन बुद्धि के विमान में बैठ करके बिना टिकट बिना धक्के मुक्के बिना खर्च बिना शारीरिक श्रम के कहते हैं कि मेरे पास आते रहो जाते रहो, है ना। तो आना जाना तो है ही, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही आकर के बैठ जाएंगे, तुम्हारा तो है ही नीचे जाने का और ऊपर आकर के वापस पवित्र होकर फिर जाने का। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हैं, अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, गॉड ही सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब झूठ है। हाँ, कंट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं, देखो कंट्रास्ट, यह है ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने, वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, यहाँ विकर्म होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको भी क्या कहा जाए, नास्तिक। भल जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर ना चले तो नास्तिक ठहरे ना। जानते भी हैं शिव बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी ना चले तो उनको क्या कहेंगे, श्रीमत है श्रेष्ठ बनने के, सबसे ऊंचते ऊंच वह सत्य गुरु है,
बाप बैठ बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, कल्प कल्प समझाया था। बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं। शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं, जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं, वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं, इन सब को भूल जाओ, एकदम बिंदु जीरो, 010 को याद करो। एक जीरो में आत्मा और एक जीरो परमात्मा, जो जीरो में सिंधु है ना, बिंदु में सिंधु समाया हुआ है, उस जीरो को तो आप हीरो बन जाएंगे। तो इस तरह से एकदम बिंदु माने जीरो बन जाओ, बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो नहीं। हियर नो एविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो। अभी तो वही सब चल रहा है। बाबा कहते हैं, एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो, अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। आत्मा में तो बातें चिपकती नहीं हैं, शरीर के नाम को चिपक जाती हैं, है ना। तो तुम आत्मा शरीर साथ सुनती हो। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों को सदगति का मार्ग बतलाते हैं। भल पहले भी कितने यत्न किए परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई चक्र नहीं सके। बाबा कहते हैं, कल्प की आयु ही लंबी करती है, जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं है तो आ ना सके। यहाँ भी तकदीर की बात है। बाप समझाते हैं, कितना सहज है, कोई कहते हैं हमारा मुख नहीं खुलता है और अरे इतनी सहज बात है, बाप और वर्षे को याद करो। उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का, आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा। बड़े बाबा को याद करने से प्रलब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं, मैं मात्र आधार हूँ, मुझ में बैठी एक शक्ति, महाशक्ति, सर्वशक्तिमान, उस बेहद के बाप को याद करो, मुझसे कुछ प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप बड़ा या प्रजा, पिता बड़ा, कौन बड़ा, है ना। तो बड़े बाबा को याद करने से प्रलब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे जाएंगे, कहाँ आते रहेंगे, जहाँ वहाँ बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं, तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए, उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है, वो तो होगी ही। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, राम राज्य में, राम राज्य है नई दुनिया, तुम जानते हो। हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। कोई से पहले तुम यह पूछो, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, यह है बेहद का बाप। फिर हैं बिरादरियाँ, एक से ही निकली हुई है ना। परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पतित से पावन बनाया है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती, हम सुपूज्य हम सुपुजारी गाते हैं, परंतु वह फिर भगवान के लिए कह देते हैं। अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनावे। भगवान ही यदि दुर्गति में जाए, भगवान ही यदि पाप करे, तो फिर बचा कौन तुमको पूज्य बनाने के लिए। बनाएगा तो वही जो एवर पूज्य रहेगा, जो जिस लायक रहेगा वो उसी लायक बनाएगा, उसी समान बनाएगा। तो बाप आप समान कब बनाएंगे, जब वो दुर्गति में नहीं आएगा, है ना। जन्म मरण के खेल से न्यारा रहेगा तभी तो हमें यह गुहाराज समझाएगा। तो वो एवर प्योर है, अगर जन्म मरण में आए तो फिर भी वो भी कर्म करे। हम क्यों राम को याद करते हैं, रावण को क्यों जलाते हैं, क्यों नहीं राम को ऐसे कभी सोचा, क्योंकि वो है ही एवर प्योर, है ना, निराकार राम। तो बाबा कहते फिर पूज्य कौन बनावे, यदि भगवान ही पूज्य पुजारी हो तो यह पूछना चाहिए। बच्चों को हम सुकार्थ समझाया है, हम सो शूत्र थे,
अब हम सो देवता बन रहे हैं, चक्र को तो याद कर सकते हो ना, गाया भी जाता है, फादर शोज सन फिर सन शोज फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा सबका बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा होशियार, व्यापारी बन पुराने सब खाते खलास कर, सुख का खाता शुरू करना है, याद में रह विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। दूसरा, घर में बैठ भोजन बनाते हर कर्म करते, बाप की याद में रहना है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। आज का बहुत ही प्यारा मीठा और बहुत ही अच्छा सा वरदान है, वरदान लुटाने वाले बाबा हैं, लूट लो। तो आज का वरदान बाबा ने दिया, साक्षी बन माया के खेल को, मनोरंजन समझ कर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ, साक्षी बनकर मनोरंजन समझ कर देखते चलो, तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे, उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। जहाँ क्वेश्चन है वहाँ समस्या है, और जहाँ क्वेश्चन नहीं है वहाँ समस्या नहीं है, और यह तो फिर श्रीमत है, इसमें क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं है। तो बाबा यही आज के वरदान में बच्चों को कह रहे हैं कि साक्षी बनकर देखो, है ना, और खेल देखो कि हम यहाँ रंगमंच पर खेल खेलने आए हैं, जब जिसका जैसा है वैसा चल रहा है ना, और समस्या नहीं लगेगी, इस तरह से सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु, मीठा बनाओ। मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु बनाओ, हाँ मीठा बनाओ। मधुबन नाम क्यों रखा है? मधुबन जा करके बाबा से मिलन मना करके आना, या फिर अपने मन को मधु सा बना कर आ जाना, क्या है अंतर? सिर्फ बाबा से मिल करके फिर वही किटपिट में आकर के वही सब सोचने लग जाना, या सिर्फ हमेशा के लिए अपने मन को मधु सा बना लेना? मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु बनाओ, है ना, मधुबन बनाओ, मधुबन सा सजा लो। घर को मधुबन सजाना माना अपने आत्मिक जो विचार हैं, मनसा वाचा कर्मणा, उनको मधु सा बनाना है, है ना, तभी तो परमात्मा आपकी बात सुनेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का।